हेलो गाइस, सुमाद दिस साइड फ्रॉम वोल्टेड पीसी एंड आज हम आपके लिए लेके आए एक और नया इंटरेस्टिंग पीसी बिल्ड। बात करेंगे हम आज इस पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स के बारे में और जो इस पीसी बिल्ड की प्राइस पॉइंट है वो 1.5 लाख है और इसका जो यूज के सिनेरियो है वो गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही पीसी बिल्ड के कंटेंट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, जो पहला कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो इंटेल का i5-13400F प्रोसेसर है। बात करें इस प्रोसेसर के कोर्स एंड थ्रेड्स के बारे में तो इसमें हमें 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है। एंड अगर बेस क्लॉक स्पीड की बात करें तो इसमें 2.5 की बेस क्लॉक स्पीड है एंड जो टर्बो फ्रीक्वेंसी हमें इसमें मिलती है वो 4.6 गीगाहर्ट्ज़ की है। सो गाइस, जो अगला कंपोनेंट हमारा वो मदरबोर्ड है एंड जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो MSI का B760MA Wi-Fi है। यस, इट्स अ DDR5 मदरबोर्ड, सो हमें यहाँ पे DDR5 कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है। बात करें रैम स्लॉट्स के बारे में तो यहाँ पे हमें 4 रैम स्लॉट्स मिलती है जो कि 128GB तक एक्सपेंडेबल है। बात करें इस मदरबोर्ड की NVMe सपोर्ट के बारे में तो इसमें हमें 2 NVMe Gen 4 SSD की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। एंड जो वाईफाई एंड ब्लूटूथ का सपोर्ट हमें इस मदरबोर्ड में मिल रहा है वो वाईफाई 6 एक्सटेंडेड एंड ब्लूटूथ 5.2 है। सो गाइस, जो अगला कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो कूलर है एंड हमने हमारा वोल्टेड कूल 290 CPU एयर कूलर यूज़ किया है जो कि 6 कॉपर हीट पाइप्स के साथ हमें देखने को मिलता है। बात करें अगर 13400F जैसे प्रोसेसर को कूल डाउन करने के लिए दिस कूलर इज मोर देन सफिशिएंट। जो इस कूलर की हीट सिंक है वो हमें डुअल हीट सिंक मिलती है एंड जो ARGB फैंस इसमें दिए गए हैं वो भी 120mm के डुअल ARGB फैंस है। तो ओवरऑल जो कूलर का लुक है वो भी काफी अच्छा दिखता है एंड बात करें हीट डिसिपेशन की वो भी काफी अच्छी है। सो गाइस, जो रैम 6 हमने इस बिल्ड में यूज किया है वो ADATA XPG Hunter है एंड 16GB की हमने डुअल रैम 6 यूज की है, दैट इज डुअल चैनल एंड जो फ्रीक्वेंसी है रैम 6 की वो 5200MHz है। सो टोटल हमने इस बिल्ड में 32GB रैम 6 यूज़ किए हैं जो कि 5200MHz की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। सो जो स्टोरेज हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो ADATA XPG S70 ब्लेड है। बात करें इस SSD की रीड एंड राइट स्पीड के बारे में तो 7400 एंड 6500 MBPS की इसकी रीड एंड राइट स्पीड है। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो पावर सप्लाई है एंड सिल्वरस्टोन का DA850 हमने इसमें यूज़ किया है। इट्स अ 850 वॉट 80 प्लस गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई। और बात करें इस पावर सप्लाई के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इट्स अ फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई, यानी कि जो अननेसेसरी केबल्स है वो आप रिमूव करके रख सकते हैं। इससे पीसी बिल्ड में एक टाइडी लुक हमें देखने को मिलता है एंड केबल मैनेजमेंट में भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो गाइस, जो फाइनल कंपोनेंट इस बिल्ड का है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो GeForce का RTX 4070 है। एंड यस, जो 4070 हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो गैलेक्स का वन क्लिक OC है। इसके ग्राफिक कार्ड ओवरक्लॉकेबल है, इट सपोर्ट्स वन क्लिक OC और हमें यहाँ पे जो GeForce RTX की ब्रांडिंग देखने को मिलती है वो भी RGB में है। और बात करें अगर ग्राफिक कार्ड के फैंस की तो फैंस में भी हमें RGB का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप भी एक PC बिल्ड करना चाह रहे हैं 2K गेमिंग या फिर एडिटिंग के पर्पस के लिए तो आप इस ग्राफिक कार्ड को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। RTX 4000 में कुछ फीचर्स हैं जो हमें स्पेशली देखने को मिल जाती है। NVIDIA DLSS 3.0 का सपोर्ट हमें मिलता है और जो रे ट्रेसिंग एंड टेंसर कोर्स है वो हमें 4th जनरेशन का देखने को मिलता है इस ग्राफिक कार्ड में। एंड इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है वो कैबिनेट है। कूलर मास्टर का TD500 मेश कैबिनेट हमने इस बिल्ड में यूज़ किया है। बात करें इस कैबिनेट के बारे में तो इट्स अ मिड टावर कैबिनेट। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कैबिनेट में हमें फ्रंट में एक मेश डिज़ाइन देखने को मिलता है विच इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो। और बात करें अगर इस कैबिनेट में रेडिएटर सपोर्ट के बारे में, दिस कैबिनेट कैन सपोर्ट अप टू 360mm रेडिएटर ऑन टॉप एज वेल एज फ्रंट। सो ईजिली हम 360mm का रेडिएटर टॉप में या फ्रंट में माउंट कर सकते हैं। तो इस कैबिनेट में हमें फ्रंट में 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलता है, एक माइक्रोफोन का पोर्ट मिल जाता है और एक पावर बटन मिलता है जिससे कि आप PC बूट कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे सारे कंपोनेंट्स जो कि आज हमने इस PC बिल्ड में यूज किए हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द PC बिल्ड।
सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं पीसी बिल्ड होके रेडी है एंड हमें फ्रंट में 3 ARGB फैंस मिल जाते हैं। जो सीपीयू कूलर हमने इस बिल्ड में यूज किया है उसमें भी हमें 2 120mm के ARGB फैंस मिलते हैं। जो ग्राफिक कार्ड भी हमने इस बिल्ड में यूज किया है उसमें भी हमें ARGB फैंस मिलते हैं। जो ओवरऑल इस पीसी बिल्ड का लुक है वो काफी अच्छा है। सो गाइस, बात करें अगर TD500 मेश कैबिनेट की, तो जो फ्रंट में हमें मेश मिलता है वो थोड़ा अलग डिजाइन का है, उसमें थोड़ा हमें अलग डिजाइन देखने को मिलता है एंड साइड में हमें टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाती है। एंड बात करें अगर पीसी बिल्ड के ओवरऑल लुक्स के बारे में, तो काफी क्लीन बिल्ड है, कहीं पे भी हमें केबल का क्लटर्स देखने को नहीं मिलेगा। बात करें आरजीबी लाइटिंग्स की, तो आप इन सारे लाइटिंग को सिंक भी कर सकते हैं अपने मदरबोर्ड के साथ, जैसे कि हमने करा हुआ है। सो गाइस, अगर बात करें इस पीसी बिल्ड के परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप इस पीसी बिल्ड के साथ इजीली 2K गेमिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप एडोबी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, देन 13400F एंड GeForce RDX 4070 एक डिसेंट चॉइस रहेगा आपके लिए। सो गाइस, ये पीसी बिल्ड जाने वाला है बैंगलोर, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमने इस पीसी बिल्ड में 24 to 48 hours तक 100% लोड पे सारे कंपोनेंट्स को टेस्ट किया है। एंड यस, अगर आप भी ऐसा ही एक पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं नो मैटर व्हाट, इंडिया से कहीं से भी, then you can visit our website www.voltedpc.in या फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन YouTube, ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग पीसी बिल्ड के कंटेंट।